सो गाइस, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने यहाँ तक देखा था कि मैं सेकंड वाली वैन भी आज सक्सेसफुली चोरी करके यहाँ पर लेस्टर की बताई हुई लोकेशन पर ले आया था, और फिर मैंने यहाँ पर वैन खड़ी करके लेस्टर को कॉल मिलाया था कि भाई अब बता क्या सीन है। I got the good night guess. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. ऑल राइट गाइस, अभी जो है लगता है हमारा रियल वाला मिशन स्टार्ट हो गया। और गाइस, ये जो मिशन है भाई काफी तकड़ा लग रहा है। ओ भाई, इन सब ने ये रेड वाली ड्रेस, ये तो वही ड्रेस है जो बग स्टार से हमने वैन चुराई थी, वहां पर ये लोग पहन रखे थे। पता नहीं भाई क्या सीन है। अभी जो है यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ये जो है पूरे के पूरे प्लान को डिस्कस कर रहे हैं, और ये जो गंजा सा देख रहे हो इसका ये पूरा मास्टरमाइंड प्लान है। ओ भाई, फ्रैंकलिन भी है तो यार, फ्रैंकलिन है तो भाई क्या बात है। फ्रैंकलिन हमारे साथ चलने वाला है, लेट्स गो। और गाइस, फ्रैंकलिन के हमारे साथ आने से हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। अब आने तो भाई जितनी पुलिस आनी आने दो, हम जो ये मिशन तो सक्सेसफुल करके रहेंगे। ओ गाइस, यहाँ पे जो है फ्रैंकलिन अपने साथ ही रवाना होने वाला है। ऑल राइट, अभी जो है यहाँ पे फ्रैंकलिन हमारे साथ बैठ चुका है, और अभी जो है हमें ज्वेलरी स्टोर चलना है। फटाफट से चलते हैं, लेट्स गो लेट्स गो। ओके गाइस, अभी जो है फिलहाल हम लोकेशन पर पहुँचने वाले हैं, और आई थिंक ये तो वही लोकेशन है जहाँ पे मैं पहले भी आया था। वो जो ये तो वही कंस्ट्रक्शन वाली लोकेशन है। अब जो है मुझे फटाफट से यहाँ चलना है, और यहाँ पे जो है फ्रैंकलिन उतर चुका है। माइकल ने भाई फ्रैंकलिन को उतार दिया, और वो पता नहीं किधर रवाना हो गया है। सो लेट्स गो, अभी जो है मुझे छत पर चलना है फटाफट से। चल यार फ्रैंकलिन, फटाफट से छत पर चलकर देखते हैं हमारे लिए क्या टास्क है। और गाइस, इस मिशन की जो सबसे खास बात है वो ये है कि लेस्टर जो है वो घर पे बैठा हुआ भाई सभी को टास्क दे रहा है, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो किसको क्या करना है। और गाइस, मेरे हिसाब से इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो प्लान है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पाएगा। ऑलराइट, अभी जो हम लोग छत पर आ चुके हैं, और आई थिंक हमें जो है वापस से पहले वाली लोकेशन पर चलना है। वो भाई यहाँ पे जो है फ्रैंकलिन ने एक चिड़ियाओं का ग्रुप बैठा था, उसको उड़ा दिया। तो गाइस, इस जगह पर तो मैं पहले भी आया था। गाइस एक बात है, फ्रैंकलिन जो है भाई माइकल से ज़्यादा फुर्तीला है, मतलब भाग भाग के देखते हो तुम लोग कितना जल्दी काम करता है। ऑल राइट, अभी जो है मैं पहुँच गया हूँ जस्ट। अभी जो है यहाँ पे मुझे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चलनी है, और यहाँ पे जो है मैं पहले भी आया था ये ऑटो खींचने के लिए। ऑल राइट, अभी जो है मैं अपनी लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ, और अभी जो है मुझे क्या करना है। ओ गाइस, अभी समझ में आया। अभी जो है तुम लोग सामने देखते हो एयर वेंट है, उसके अंदर मुझे बीजेट गैस डाली है, ताकि इधर से जो हवा अंदर जा रही है स्टोर के, वहाँ से बीजेट गैस अंदर जा सके। अभी जो है मेरे पास बीजेट गैस है। अरे भाई ये भी नहीं हो रही है, मुझे जो है इसके अंदर डालनी है। एक दो, मैं सारी की सारी डाल देता हूँ। ऑल राइट गाइस, अभी जो है मैंने यहाँ पर सारी की सारी बीजेट गैस यहाँ पर इसके अंदर डाल दी है, और आई थिंक ये जो है यहाँ से हवा ज्वेलरी स्टोर में जा रही है। ओ भाई, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ज्वेलरी स्टोर में जो है एसी में से वो गैस आने लग गई है। अरे गाइस, जैसा कि मुझे लगा था बीजेट गैस जो है वो पूरी की पूरी स्टोर में फैल चुकी है, और यहाँ पर जो है कस्टमर स्टाफ सभी के सभी बेहोश हो चुके हैं। एंड नाउ इट्स परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट रॉबरी। ओह भाई, यहाँ पे जो है फ्रैंकलिन भाई पूरे के पूरे गेटअप में आ चुका है। ओह भाई, यहाँ पे जो है मैं फटाफट से यहाँ पे भाई लूट ले भाई माइकल, हमें जो है यहाँ से सारी की सारी ज्वेलरी फटाफट से चोरी करनी है। और बाहर तुम लोग देखते हो एक बंदा जो है बाइक पे बैठा है, और हम लोग तीन बंदे यहाँ पे। और गाइस, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 90 सेकंड्स है भाई ज्वेलरी उठाने के लिए। भाई साहब कसम से मज़ा आ गया, इतनी ज्वेलरी यहाँ पे ये सब लूट के भाई कसम से अपन करोड़पति होने वाले हैं। और गाइस, जैसा कि तुम लोगों को तो पता ही होगा कि ये जो है ज्वेलरी स्टोर शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी स्टोर है, इसलिए यहाँ पे तुम लोग देखते हो कितनी सारी ज्वेलरी है। तो अभी जो है टाइम बहुत कम और ज्वेलरी बहुत सारी एरिया, उठा ले भाई माइकल, उठा ले फटाफट से, उठा ले भाई माइकल, उठा ले। यहाँ पे इधर से भी उठा लिया है, अब इधर से उठाते हैं। हमारे पास टाइम भी बहुत कम है भाई, पुलिस वाले आते ही होंगे यहाँ पे। और गाइस, हमें पुलिस से आने से पहले पहले निकलना होगा। और यार, और गाइस यहाँ पे तुम लोग देखते हो यहाँ पे कोने में हमारे पास टोटल माइकल ने कितनी ज्वेलरी उठा ली है, कितना क्या प्रॉफिट हो। और यहाँ पे तुम लोग देखते हो $4 मिलियन से भी ज़्यादा। अभी जो सिर्फ ये एक केस रह रहा है, इसको भी फटाफट से तोड़ के और फिर निकलते हैं यहाँ से। ऑल राइट गाइस, अभी जो हमने यहाँ से सारी की सारी ज्वेलरी चोरी कर ली, और अभी जो फटाफट से निकलना है हमें, लेट्स गो। ओ भाई, यहाँ पे ये कौन है, सिक्योरिटी गार्ड। माइकल पीछे से आया, और भाई इसने सिक्योरिटी गार्ड को तो उठा के पटक दिया है। और अभी जो है हमें फटाफट से निकलना होगा। और ये माइकल क्या कर रहा है, अरे भाई इसने पूरा को पूरा रॉबरी वाला बैग इसको दे दिया बाइकर को, और अभी हम बाइकर के कैरेक्टर में आ चुके हैं। पूरी पूरी ज्वेलरी का बैग इसको दे दिया, और पता नहीं वो किधर चला गया है। अभी जो है मुझे इन बाइकर्स के साथ साथ चलना। और गाइस, तुम लोग देख सो
चार स्टार की पुलिस हमारे पीछे लग चुकी है। और गैस ये जो पुलिस है ऐसे ही पीछा नहीं छोड़ने वाली है। और गैस हमारे पास जो है बाइक है ताकि हमें एस्केप करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। भाई बाइक पर तो हम इन लोगों से पुलिस से आराम से बच जाएंगे अगर हम गिरे नहीं तो। भाई आराम से केयरफुली ड्राइव करनी है। गाइस हमें जो है किसी भी हालत में पुलिस के हाथ तो नहीं आना। भाई सामने से भी पुलिस आ चुकी है, चारों ओर से पुलिस आ चुकी है और हमें जो है लेस्टर कमांड भी दे रहा है किधर चलना है। लेस्टर हमें सारे के सारे कमांड दे रहा है हमें किधर चलना है। और अभी जो है मुझे इस टनल के अंदर घुसना है। ओके गाइस अभी जो है हम फिलहाल टनल में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये जो टनल है भाई काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और गाइस आप लोग क्या लगता है पुलिस वाले हमारे पीछे थोड़ी आएंगे? नहीं नहीं मुझे नहीं लगता पुलिस वाले हमारे पीछे टनल के अंदर आएंगे। बट अभी लेट्स ही देखते हैं ये टनल कहाँ पे निकलने वाली है। लेस्टर भाई कितना तगड़ा दिमाग लगाया है। और अभी जो है फिलहाल मुझे इनके पीछे पीछे चलना है भाई, आराम से केयरफुली ड्राइव करनी है। लेकिन पीछे भी नहीं रहना है। गाइस आप लोग क्या लगता है पुलिस हमारा पीछा थोड़े छोड़ देगी ऐसे टनल में आने से? अभी जो है मैं कैप्स लॉक से फ्रैंकलिन की एबिलिटी काम में लेकिन इनसे आगे निकल सकता हूँ। बट कोई ना, हम लोग ऐसे आगे निकल जाएंगे, हमें जो इनके साथ साथ रहना है। गाइस एक बात तो ये तो उन्होंने बाइकर भाई काफ़ी तगड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं। और भाई कसम से ये टनल तो देखो तुम लोग कितनी बड़ी है। अरे भाई ये क्या है नाला, गलती से आ गया इधर। लेट्स को भाई इनका भी पता नहीं कौन कौन से रास्ते से ले जा रहे हैं। इधर पानी भी आ रहा है। और गाइस ये टनल तो तुम लोग देखो भाई कितनी नीचे जा रही है। ओ भाई कितना तेज कितनी फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं वो दोनों। तुम लोग इसी बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हो ये जो लॉस सैंटोस सिटी ये जितना ऊपर फैला हुआ उससे ज़्यादा क्या नीचे फैला हुआ है क्या? भाई ये टनल एंड होने का नाम ही नहीं ले रही है, हम लोग कितनी देर हो गई। और गाइस यार अभी तुम लोग देख सो पुलिस के जो चार स्टार है वो भी नेट है, मतलब पुलिस अभी भी हमारे पीछे ही है। इस टनल के अंदर भी कंस्ट्रक्शन चालू है। और गाइस ये टनल भाई कितनी लंबी है, ऐसे हम लोग को कितनी देर हो गई। और गाइस मुझे लगता है पुलिस वाले ऐसे पीछा नहीं छोड़ने वाले, अब तक पीछा छोड़ते तो भाई ऐसे छोड़ देते। बट आई थिंक मेरे हिसाब से अभी भी पुलिस वाले मिलने वाले। ओ गाइस यहाँ पे जो है टनल एंड होने वाली है। ओ भाई यहाँ पे जो है हम लोग बाहर निकल चुके हैं और गाइस अभी भी पुलिस हमारे पीछे ही है। अभी जो है ये आई थिंक ये वही वैन है, नहीं नहीं ये दूसरी वैन है। हमें जो है यहाँ से पुलिस अच्छा ये जो वैन है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और गाइस यहाँ पे जो है तुम लोग देखते हो मुझे जो है सारे के सारे पुलिस वैन्स को डिस्ट्रॉय करना है और बाइकर्स का पीछा करने से रोकना है। आई थिंक पीछे दो और पुलिस। अच्छा चल तेरी भैंस की हटा, ये भी क्या गाइस पुलिस वाले की गाड़ियाँ तो मतलब ऐसे टच करते डिस्ट्रॉय हो रही है। और भी है क्या पुलिस वाले भाई इधर? ओ भाई इधर से भी आए ये पुलिस वाले भाई, किधर किधर से आ रहे हैं? बट कोई ना, ये जो वैन है भाई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत है। और गाइस फाइनली अभी जो है पुलिस ने हमारा पीछा छोड़ दिया है और आई थिंक हमारी ये ज्वेलरी है, हमारी जो है रोबरी है वो भाई सक्सेसफुल हो चुकी है। अभी जो है मुझे येलो सर्कल के अंदर चलना है। ऑल राइट गाइस अभी जो मुझे यहाँ पर अपनी वैन रोकनी है। ये सारे के सारे यहाँ पर रुककर क्या करने वाले गाइस, लेट्स सी। ओ भाई यहाँ पे जो है तीनों के तीनों बाइकर्स जो है वैन के अंदर बैठ चुके हैं और अभी जो है लेट्स गो। हमें जो है इनको एक सेफ लोकेशन पे लेके चलना है। आई थिंक वहाँ पे हमें लेस्टर भी मिलेगा। एक ऐसे जगह पे लेके चल रहे हैं जहाँ पे मतलब पुलिस वाले हमें आसानी से ना ढूंढ पाए। और भाई गाइस इस वैन ने भी हमारा बहुत साथ दिया है, मतलब पुलिस की गाड़ियों को सारी को डिस्ट्रॉय इसी ने किया है। भाई कसम से पुलिस वालों ने कितना पीछा किया। बट यार इतना तो चलता है, हम लोगों ने रोबरी भी तो भाई कितनी बड़ी रोबरी किया, बट आखिरकार हम लोग पुलिस से छुटकारा पाने में सक्सेसफुल हो गए और हमारा जो प्लान मिशन है सब कुछ सक्सेसफुल रहा। और गाइस अभी जो है तुम लोग देखते हो फ्रैंकलिन माइकली कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं। भाई खुश होए भी क्यों ना, इतनी मेहनत करके भाई इतनी सारी ज्वेलरी लूटी है, कसम से पता नहीं कितनी। और गाइस यहाँ पे जो है मैंने अपनी वैन पार्क कर दी है और यहाँ पे जो है मैंने जैसा कि सोचा था यहाँ पर लेस्टर भी हमें मिलने वाला है, लेस्टर मिल चुका है। और गाइस यहाँ पे जो है इन लोगों ने भाई इस वैन को यहाँ पे आई थिंक छुपा दिया है। और ये जो फ्रैंकलिन ये सब लोग जो भी ज्वेलरी लूट के आए थे ये तो अपनी आपसरी में बांट लेंगे। सो गाइस लेस्टर ने इन सभी को समझा दिया कि तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे सही सलामत, अभी तुम लोग सभी लोग जा सकते हो। सो गाइस फाइनली हमारा जो मिशन कंप्लीट हो चुका है, होपफुली सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा। सो गाइस फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड आने वाले हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।